व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे ड्रामा सीरियल सियानी के उन अदाकारों के बारे में जो हकीकी जिंदगी में मियां बीवी हैं। इस ड्रामे के लीड कास्ट में शामिल हैं अनमोल बलोच, उसामा खान, सनिया शमशाद और मोहसिन अब्बास। इन सबके साथ और भी टैलेंट और खूबसूरत अदाकार काम करते हुए दिखाई देंगे। तो व्यूअर्स, वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। बीना चौधरी की बात करते चलें, जो इस ड्रामे में अदाकारी करती हुई दिखाई दे रही हैं। इससे कबल ये बहुत से ड्रामास में काम कर चुकी हैं। इनकी जाती जिंदगी की बात करें तो इनके हस्बैंड और बेटे का तो कोई शोबे से ताल्लुक नहीं, लेकिन इनकी बेटी एक खूबसूरत और मशहूर अदाकारा है जिनका नाम हरीम सुहेल है, जो इससे कबल ड्रामा सीरियल बदनसीब में भी काम कर चुकी हैं, जिनकी अदाकारी को काफी पसंद भी किया जाता है। मजीद व्यूअर्स, यासिर शोरू की बात करते चलें, जो इस ड्रामे में सनिया शमशाद के साथ अदाकारी करते हुए दिखाई देंगे। इनकी जाती जिंदगी की बात करें तो ये शादीशुदा हैं। इनकी बीवी का नाम ज़ैनब आबरू है और इनकी बीवी का शोबे से हरगिज कोई ताल्लुक नहीं। इनके दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। एरम अख्तर की बात करते चलें, जो हमारे इंडस्ट्री की पुरानी और खूबसूरत अदाकारा मानी जाती हैं। इनकी जाती जिंदगी की बात करें तो ये शादीशुदा हैं। इनके हस्बैंड का नाम अख्तर है, जो कि शोबिज इंडस्ट्री से हरगिज कोई ताल्लुक नहीं रखते, और इनके दो बेटे हैं। फहीमा अवान की बात करते चलें, जो इस ड्रामे में मोहसिन अब्बास की बहन का किरदार अदा करती हुई दिखाई देंगी। इससे कबल आप इन्हें ड्रामा सीरियल फितूर और ड्रामा सीरियल बदनसीब में देख चुके हैं, जहाँ इनकी अदाकारी को काफी पसंद किया गया। इनकी साथी जिंदगी की बात करें तो इन्होंने अभी तक शादी नहीं की। निदा खान की बात करते चलें, ये भी इस ड्रामे के मरकजी किरदार अदा करती हुई दिखाई दे रही हैं। निदा खान एक टैलेंटेड अदाकारा के साथ साथ एक अच्छी मॉडल भी हैं। इनकी साथी जिंदगी की बात करें तो इन्होंने अभी तक शादी नहीं की, और साथ ही ये ड्रामा सीरियल बवाल में भी अदाकारी करती हुई दिखाई दे रही हैं। मजीद हम बात करते हैं लीड कैरेक्टर्स की। मोहसिन अब्बास हैदर, जो इस ड्रामे में लीड कैरेक्टर प्ले करते हुए दिखाई देंगे। इसे कबल आप इन्हें ड्रामा सिर्फ बद्दुआ और मोहब्बत छोड़ दी मैंने में देख चुके हैं। मोहसिन अब्बास ना सिर्फ अदाकार हैं बल्कि एक अच्छे सिंगर भी हैं। इनकी साथी जिंदगी की बात करें, 2015 में इनकी शादी फातिमा सोहेल से हुई, जो खुद एक मशहूर अदाकारा हैं, जिन्होंने हारी के ड्रामा सीरियल बदनसीब में भी अदाकारी की। लेकिन इनकी शादी ज्यादा अरसा ना चल सकी, 4 साल बाद इन्हें डिवोर्स हो गई, और इन दोनों का एक क्यूट सा बेटा भी है। मजीद हम बात करते हैं सानिया शमशेद की, जो इस ड्रामे में लीड कैरेक्टर प्ले करती हुई दिखाई देंगी। इनकी मासूमाना अदाकारी और खूबसूरत नैन नक्श की वजह से काफी पसंद किया जाता है। इनकी जाती जिंदगी की बात करें तो ये शादीशुदा हैं। इनके शोहर का नाम सईद हदायत है। इनके शोहर का शोबिज से तो हरगिज कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वो एक मशहूर मास्टर ऑफ सेरेमनीज हैं, नरेटर हैं, वॉइस ओवर करते हैं। इन सब के साथ और भी बहुत से काम ये करते हैं। जुलाई में होने वाला बैरून मुल्क में अरिजीत सिंह का कोई कॉन्सर्ट, जो सईद हदायत ने ही होस्ट किया। सईद हदायत और सानिया शमशेद का एक क्यूट सा बेटा भी है। उसामा खान की बात करते चलें, जो हमारे टीवी इंडस्ट्री के खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकार माने जाते हैं। इनके खूबसूरत नए नक्श और अच्छी अदाकारी की वजह से काफी पसंद किया जाता है। इन्हें आप इससे कबल ड्रामा सीरियल दोबारा और हाल ही के ड्रामा सीरियल एक सितम और में देख चुके हैं, जहाँ इनकी अदाकारी को काफी पसंद किया जाता है। इनकी जाती जिंदगी की बात करें तो इन्होंने अभी तक शादी तो नहीं की, लेकिन कुछ जगहों पे ये वाजे हुआ है कि मशहूर अदाकारा ज़ैनब शबीर के साथ रिलेशनशिप में हैं। हत्ता कि इनका कहना था कि हम बहुत जल्द शादी भी करेंगे, लेकिन अभी कोई भी हतमी बात सामने में नहीं आई। अनमोल बलोच, जो इस ड्रामे में एक लीड करेक्टर प्ले करती हुई दिखाई दे रही है, ये लीड करेक्टर तो प्ले करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इनका किरदार बहुत नेगेटिव है। ये एक टैलेंटेड अदाकारा के साथ साथ एक खूबसूरत मॉडल भी है। इनकी जाती जिंदगी की बात करें तो इन्होंने अभी तक शादी नहीं की। व्यूअर्स, आपको ड्रामा सीरियल सियानी में किसका किरदार बेहतरीन लगता है? अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन हासिल करें।